डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस सेकेंड फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस की पहली थी एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस सेकेंड है कि ये बिल्कुल अपोजिट है एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस का एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस में हमने देखा कि सोशल रिलेशनशिप में कॉपरेशन पाया जाता है अकोमोडेशन पाई जाती है एसिमिलेशन पाई जाती है वो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए एक दूसरे की मदद के लिए उस सोसाइटी में रहते हुए सोसाइटी के मेंबर्स की नीड्स फुलफिल करने के लिए हम जो आपस में मैक्सिमम कर सकते हैं उसको एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस कहा जाता है ये डिसएसोसिएटिव बिल्कुल जैसे नाम से आपको लग रहा है ये बिल्कुल उलट है उससे कि इसमें क्या होता है जी कि डिस मेक स्पेशल कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल डिफ्रेंसीेशन ये बेसिकली सोशल डिफ्रेंसीन पैदा करता है एसोसिएटिव यूनिटी पैदा करता था मेंबर्स में ये यूनिटी पैदा नहीं करता ये डिफ्रेंसीशन पैदा करता है ये दूरियां पैदा करता है ये रेवलरी की फीलिंग पैदा करता है ये कंपटीशन uh, की और कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद रखता है ये कंपटीशन की कॉन्फ्लिक्ट की हवा पैदा करता है डिसटिव सोशल प्रोसेस इसमें सबसे पहले कंपटीशन आता है कम्पिटिशन इज वन ऑफ द डिसम ऑफ सोशल प्रोसेस इट इज एक्चुअली द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रगल अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो कंपटिशन किसी हद तक पॉजिटिव सेंस में भी जाता है कि ये स्ट्रगल करने की एक जज्बा सोसाइटी के मेम्बर को पैदा करता है ये देखता है कि एक सोसाइटी का मेंबर डेवलपमेंट uh, वाली साइड पे जा रहा है तो उसके अंदर कंपटीशन की फीलिंग पैदा होती है और वो उस कंपटीशन की फीलिंग को लेके स्ट्रगल करता है कि मैं भी कल को इस जगह को अचीव कर सकूं इस इस रोल को अचीव कर सकूं इस स्टेटस को कल को मैं अचीव कर सकूं इस इकोनॉमिक लेवल पे मैं पहुंच सकूं तो ये स्ट्रगल की भी रखता है इट अकर्स वेन एवर देयर इज एन इन सप्लाई ऑफ एनी दैट ह्यूमन बींग डिज़ायर तो इस Uh, ये जो कंपटीशन की uh, फ़िज़ा है ये इस वजह से भी पैदा होती है कि जब सप्लाई uh, इनसफिशिएंट हो जब इक्वलिटी ना की जा रही हो इन इक्वल सिचुएशन पे, जब uh, आपके uh, बराबरी के हकूक ना मिल रहे हों तब कंपटीशन की बुनियाद राइवलरी की बुनियाद पैदा हो जाती है बिटवीन द मेंबर ऑफ द सोसाइटी और वो वक्त आता है जब सोसाइटी के मेंबर आपस में डिससोसीट uh, हो जाते हैं उनमें यूनिटी नहीं रहती उनमें डिफ्रेंसी आ जाती है क्लास आ जाती कि ये दूसरी क्लास है ये लोअर क्लास के लोग हैं हम ये लोग हम में से हैं ही नहीं। सेकंड इसका पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट जब कंपटीशन इस लेवल पे बढ़ जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो अकॉर्डिंग टू जे एच फीचर कॉन्फ्लिक्ट इज द सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स सीक देयर एंड्स बाय डायरेक्टली चैलेंजिंग द एंटागोनिस्ट बाय वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस के जो मेंबर है सोसाइटी के अपनी नीड्स को अपने एंड्स को पूरा करने के लिए जब वायलेंट हो जाते हैं उनका बिहेवियर जब वायलेंट हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मैं अपना ये मेरा हक है मैं इसको अब छीन लूँ अगर मुझे मेरा हक मेरे टैलेंट पर नहीं मिल रहा तो फिर मैं कॉन्फ्लिक्ट करके अपना हक़ ले लूँ तो ए डब्ल्यू ग्रीन के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट इज़ द डेलिब्रेट टू अपोज रजिस्ट द विल ऑफ़ एन अदर कि किसी दूसरे सोसाइटी के मेंबर की मर्जी के बगैर जो आप उसको अपोज़ करें उसको रेजिस्ट करें उसको कॉन्फ्लिक्ट जाएगा गिलेन एंड गिलेन ने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इज द सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप सीक देयर एंड्स बाय डायरेक्टली चैलेंजिंग द बाय और और थ्रेट एंटोग तो कॉन्फ्लिक्ट सोशोलॉजी का एक मेजर परस्पेक्टिव को भी हम कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टस्पेक्टिव कहते हैं जो कार्ल मार्क्स ने प्रजेंट किया था तो उसकी भी बेसिस यही थी कि दो सोसाइटी के पार्ट हैं एक वो हैं जो हैव्स हैं और एक वो हैं जो हैव नॉट हैं एक वो पार्ट है जिसके पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो सोसाइटी में अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं और दूसरा पार्ट है जो हैव नॉट हैं या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि हम रूरल सोसाइटी की बात करें एक लैंड हैं फ्यूडल्स हैं और दूसरे मज़ारे हैं किसान हैं पेजेंट हैं तो ये हमेशा से सोसाइटी इसी तरह चलती आ रही है कि जो सरमायादार है उसकी कोशिश होती है कि कैसे मैं Uh, जो मेरा एम्प्लॉ uh, है जो मेरा किसान है जो मेरा पेजेंट है मैं इससे मैक्सिमम अपना बेनिफिट ले सकूं। और दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट का ये मेजर uh, होता है कि वो चाह रहे होते हैं कि हम सरमायादार से किस तरह छीन सकें तो ये जो छीना झपटी चलती है सोसाइटी uh, के दो सेगमेंट में हैव और हैव नॉट में उसको हम पर्सपेक्टिव भी कहते हैं सोशोलॉजी में तो यही डिसोसिएटिव uh, सोशल प्रोसेस का सेकेंड पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट भी इसी पे बेस कर